इंदौर के शिवाजी वाटिका को अब और भी अधिक सुंदर, भव्य और आकर्षक रूप दिया गया है। इसका काम अंतिम चरण में पहुंच गया है। यहां वीर शिवाजी की विशाल घोड़े पर विराजित प्रतिमा भी लगाई गई है। यहां किले की एक भव्य प्रतिकृति भी बनाई गई है। इस काम को नगर निगम द्वारा कराया गया है। सोमवार को शहर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव और MIC के सदस्यों के अलावा निगमायुक्त हर्षिका सिंह ने यहाँ का दौरा किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। महापौर पुष्यमित्र भार्गव की माने तो 13 सितंबर को छत्रपति शिवाजी महाराज की 350वीं राज्याभिषेक के मौके पर नई शिवाजी वाटिका का उद्घाटन किया जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ ही यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मौके पर विशेष अतिथि के रूप में शामिल होंगे। शिवाजी वाटिका के विकास के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं, साथ ही ये शहरवासियों के लिए बड़ी सौगात है। छत्रपति शिवाजी महाराज की भव्य प्रतिमा यहाँ लगी हुई थी, उसका भव्य तरीके से, सुंदर तरीके से उनके किले के साथ पुनर्निर्माण इंदौर नगर निगम के किया है। और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी श्री आदित्यनाथ जी ने शिवाजी के 350वें राज्याभिषेक वर्ष में इस स्थान का लोकार्पण करने की अनुमति हमको दी है। उसकी तैयारी के निमित्त कार्यक्रम भव्य हो, दिव्य हो, इंदौर की गरिमा के अनुरूप हो, इस दृष्टि से आज यहाँ दौरा किया है। 13 तारीख को दोपहर में 3 बजे यहाँ कार्यक्रम आयोजित होगा। मैं आपके माध्यम से सभी को इस कार्यक्रम में आमंत्रित भी करता हूँ। बेसिकली यहाँ जहाँ हम खड़े हैं वो शिवाजी प्रतिमा और शिवाजी चौक कहलाता है। यहाँ पर माननीय यूपी चीफ मिनिस्टर साहब का एक दौरा कार्यक्रम 13 तारीख को वो हमारे शहर में है। विभिन्न आयोजन है, उसी में एक आयोजन यहाँ पर भी है। उसको लेकर आज मेयर साहब और पूरे तमाम MIC सदस्यगण और अधिकारियों का एक दौरा था। कुल मिलाकर क्योंकि चौक चौराहे पर यह कार्यक्रम है, इसकी क्या कैसे व्यवस्था रहेगी, क्योंकि उनके मतलब CM साहब के प्रोटोकॉल के अनुसार कैसी व्यवस्थाएं की जाए, उसके संबंध में एक दौरा कार्यक्रम यहाँ पर आज था। फिलहाल 13 सितंबर को होने वाले भव्य आयोजन को लेकर नगर निगम ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। इंदौर से मृदुभाषी प्रदेश के लिए टोनी वेद की रिपोर्ट। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मृदुभाषी प्रदेश से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।